वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं चाय टाइम की स्पेशल एपिसोड। मैं रोज़ाना कहती हूँ स्पेशल, क्योंकि क्या करें, हमें रोज़ कोई ना कोई स्पेशल चीज़ हमारे साथ हो रही होती है। आज जो मैंने आप लोगों को छोड़ा था, क्या कहते हैं, चुटकला, हाँ कुछ छोड़ा था ना मैंने इससे पहले, मिस्ट्री आपकी अनफोल्ड, वो मैं थोड़ी देर में अनफोल्ड करूँगी, क्योंकि हमारे जो गेस्ट बैठे हैं वो तो नाराज़ हो जाएंगे हमसे। हम उस वक्त से मैं और सनिया पटर 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 कर रहे हैं। सनिया कौन एग्जैक्टली? और उन्होंने मुझसे भी बोला कि मैं चला जाऊँ उठ के, मैं तो हार्ट अटैक हो जाता मेरा तो भी। अच्छा खैर, हमारे साथ जायला ने शुरू में एक बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया था, मारूफ अदाकार, और इससे बेहतर अल्फाज जो है मेरे ख्याल में मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। जायला थैंक यू वेरी मच। और बहुत अरसे से नाज़िम मीडिया का हिस्सा हैं, 30-35 साल से वो मीडिया में हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, स्टेज भी किया हुआ लेकिन कम किया है, कंपेयरिंग की है, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं। मुझे जो उनकी कॉमेडी बजाते खुद बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने सीरियस रोल भी बहुत सारे किए हैं, नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, डाकुओं से उनका बड़ा लेना देना रहता है। और सबसे बड़ी बात ये तो खैर, वो अपना वो मीडिया के बारे में आपको बताया, डिप्टी डायरेक्टर हैं KBCA के, जो भी इलीगल बिल्डिंग्स होती हैं उनको डिमोलिश करने का, ओहो उनको डिमोलिश करने का उनका बड़ा काम है। और इसके अलावा एक और काम भी करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए इंसान को, एक और काम करते हैं, चश्मे बनाते हैं। इनकी बहुत सारी शॉप्स हैं कराची में अवेलेबल, जहाँ पर आप जा सकते हैं और अपने चश्मे लेंसेज वगैरह बनवा सकते हैं। इनसे हमें बहुत फायदा होने वाला है, हमारे पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ कभी बनाएं, किसी और की बिल्डिंग डिमोलिश करा के अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टाइम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल वैसे, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा लग रहा था आप लोग जब आपस में बातें कर रहे थे, आपने कहा कि मैं चला जाता हूं। नहीं, वो इसलिए कि दो खवातीन जब बोल रही हूं तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और ना चुप करा सकता है ना डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसा बहुत इतनी सारी न्यूज दी, आपको कैसा लगा? नहीं, न्यूज बहुत अच्छी है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक न्यूज है। ये जो डाइवर्टेड है ना, ये जो हमारे हुकूमत जो है, अचानक कभी पेट्रोल में बढ़ा दिया, कभी इधर बढ़ा दिया, लाइन इधर से उधर करके ना, ये बड़ी गड़बड़, ये अकलमंदी है यार सब इनकी। हाँ, बेवकूफ इन्हें अटका के रखो हैं आवाम को। अब देखो, अब ये बिजली पे आ जाएगा, बिजली पे आ जाएगा, ये अभी पेट्रोल पे आए, अब फिर बिजली पे आ जाएगा, फिर किसी और चीज पे आ जाएगा। अच्छा होता है पेट्रोल 4 रुपए बढ़ा देते, 5 रुपए बढ़ा देते, जब कम करने की बात आती है तो चवन्निया कम हो जाती है। मुझे लग रहा है की डॉलर और पेट्रोल का रेट एक हो जाएगा, 92 तो हो गया। अब ये वही है, हम लोग कहेंगे जी एक यही कहने वाले, एक डॉलर का दर पेट्रोल डलवा दो, हाँ ये एक तो डॉलर का एक लीटर। सही बात है। ऐसा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, हमारे लिए कॉनर है कि आप आए, आप इतनी अरसे से मीडिया के हिस्सा हैं, इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? इन दिनों भी असल में तो नौकरी चल रही है, क्योंकि नौकरी जरा सी थोड़ी सख्त सी होती है। नौकरी आप कब से कर रहे हैं? मैं 30 इयर्स हो गए। वो भी इसको भी, अच्छा साथ ही साथ। हाँ भाई, नौकरी शादी भी मैंने उसी दरमियान में की थी। अच्छा, तो मीडिया साइड बाय साइड करते थे? मीडिया हमेशा साइड पे रखा है, इसलिए कि देखे ना आप, सब अकलमंद हैं, सबको पता है कि मीडिया में सब कहते रहते हैं बड़े तुसी तोड़े, बड़े ड्रामे आ देने, अगर हम कहते हैं चेक नहीं आ देना उस स्पीड से, उस स्पीड से पैसे तो नहीं आ रहे उसे। लेकिन आम कॉन्सेप्ट सबका ये है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपके निजी आपके ड्रामे के बाद इतने कमर्शियल चलते हैं। मैंने कहा वो पैसे हमारे पास, मैंने कहा उसका हमसे कोई ताल्लुक। और दूसरा ये कि जो चॉइस है हमारे यहाँ, जो कॉमेडी है, कॉमेडी एक तो लोगों का हंसने का दिल नहीं चाहता, कम ही हंस रहे हैं लोग, या कॉमेडी जिस टाइप की मैं करता रहा या करता हूँ वो जरा सा मजाक, अच्छे ही पढ़े लिखों वाला मजाक में करता हूँ, तो वही अच्छा रहता है, इसके लिए कोई चैनल बदलता नहीं है। मतलब आमतौर पर जिस टाइप की कॉमेडी आपको पता है आजकल हो रही है, लोग रिमोट से चले आते हैं दूसरी तरफ, या फिर आपको पता है बच्चे तो हमारे इतने जहीन हैं कि पहले ये होता था कि अगर कोई चीज़ ऐसी आती थी तो पहले तो हम बच्चों, बुजुर्ग हमें कह रहे थे बच्चों को, चलो बेटा बाहर जाओ, बाहर जाओ खेलो, तो हाँ अब तो बच्चे हमसे कहते हैं अब्बू जी आप देखने का नहीं है, नहीं 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 अब्बू जी आपकी दवाई का टाइम हो गया, अब सो जाएं जल्दी, टाइम पे सो जाएं। तो वो बड़ा बदल गया है माहौल, लेकिन फिर भी ड्रामे आप इन दिनों कर रहे हैं? वैसे मैं कर रहा हूँ, एक दो प्ले हैं सीरियस से हैं, क्योंकि जब कभी कभी हम ये देखते हैं, मुझे 2-3 नेगेटिव रोल किए थे, कैसर का किया, फिर मैंने काजिम पाशा साहब का किया, तो वो फिर वो कहते नहीं आज तुम्हारा, मैंने कहा शुरू से भाई मेरी शक्ल कभी हीरो जैसी नहीं है, मेरी वही है जो हीरोइन को उठा के ले जाता है, मतलब वो विलन वाली है। वैसे विलन हमेशा फायदे में होता है आपको पता है, क्योंकि हीरो को तो आखिर में, और देखें हीरो को तो विलन, हीरो को तो हीरोइन आखिर में मिलती है, पहले वो विलन के हित चढ़ती है। तो आदमी जो कुछ करता है देखा सोच समझ के करता है। ये बात सुने, ये वाले एक्सप्रेशन कौन से दिए, ये समझ मीरा वाले क्यों दिए आपने? अरे मेरे, अच्छा आपने माइंड तो नहीं किया, मैंने आपको मीरा कहा, आई लव मीरा, बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं तो लेकिन अभी अभी हो गई है शामिल, और मुझे तो मीरा बहुत पसंद है, मीरा जी, मीरा जी नहीं, मुझे मीरा, मीरा जी हो गया ना, मीरा जी, मीरा भी तो है। तो वो अच्छा बात सुने, मुझे लग रहा है देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जोहेब, हमारे यहाँ पे दुबैर यहाँ पे होता है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जोक बताया था मीरा पे, जो मैं यहाँ पे नहीं सुना सकती, बट छोड़ दो। अच्छा नहीं नहीं, मैं आपको नहीं तो मैं बाद में सुनाऊंगी। अच्छा मुझे बताएं कि KBCA में आप हैं,
और हमारे लोगों को बताएं कि बीसीए क्या है और आप बिल्डिंग्स के साथ इतना ज्यादती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? नहीं, बिल्डिंग के साथ हम कुछ ज्यादती नहीं करता, लोग जो है उन बिल्डिंगों के साथ ज्यादती करते हैं जो पुरानी है और उसके ऊपर वो एक फ्लोर और चढ़ाने की कोशिश करते हैं। या अगर पता है कि ये बिल्डिंग जो है हमारे यहाँ अगर अप्रूवल किसी चीज के दो फ्लोर के हैं तो थर्ड जरूर करेंगे। जिस तरह के डबल हमारे यहाँ पता है कि हमारे यहाँ हमेशा जो भी कानून को तोड़ना है ना उसको एक्टिविटी समझते हैं लोग। डबल सवारी में पाबंदी है, डबल सवारी होगी, डबल सवारी खुल गई है तो एक और बिठाएंगे। उसी तरह जहाँ लिखा होगा ये ना करें, वहाँ वो वहाँ लिखा होता कूड़ा फेंके ना वही थूका होगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हम खास तौर पे, और अब जो खैर बहुत कानून और सख्त हो गया, लेकिन फ्लोर हमने ज्यादा बनने की इजाजत दी है। लेकिन अगर बन जाते हैं ना यार साहब, तब आप लोगों मतलब आप लोगों को नहीं, केबीसी वालों को सब फ्लोर बन चुके होते हैं। ये वो रिवायती सा जुमला है जो हम सब कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उनको नोटिस दिया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। उस वक्त जब वहां मॉब जमा होता है तो वो कहते हैं ना जी पैसे नहीं मिले तो तोड़ रहे हैं। तो हमारी तो ये डिपार्टमेंट में दोनों सूरतों में प्रॉब्लम है। अगर हम तोड़ते हैं और फिर 15 आप फोन करते हैं देखिए कानून के लिए कि जी जल्दी आइए ये हो गया। हमारे यहाँ भी पड़ोसी का भी ये हक है कि वो बताए कि फला जगह इलीगल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास देखे ना हेलीकॉप्टर तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पड़ोसी का हक है कि वो इस टाइप की चीज़ें करे। तो ये नहीं है, लेकिन हम एक जो मजे की चीज़ है कि हम तो खैर तोड़ने जब जाते हैं वहाँ भी आया साहब आप तो टीवी पे आते हैं, मैं कहा जी फिर यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा मैं रात को आता हूँ, ये दिन का काम है भाई, ये नौकरी है। सही बात है। तो लेकिन एक्सपेक्टेशन जरा आर्टिस्टों से थोड़ी सिंपथी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। सही है नाजीन। तो अगर आपको सिंपथी थोड़ी सी चाहिए या अगर आपको अपनी बिल्डिंग जो है बिल्डिंग के हवाले से कोई भी आपके इश्यूज है ना, अगर आपको बिल्डिंग बचानी है, थैंक यू प्रोड्यूसर साहब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनके ड्रामों के हवाले से बात कर सकते हैं। चलिए हम रिवायती सवाल आज आपसे नहीं करेंगे। मुझे बताएं कौन से ड्रामे इन दिनों आप देख रहे हैं, आखिरी ड्रामा कौन सा देखा था? तो हम सफर, सॉरी गलत सवाल था ज़ाइला, माफ कीजिएगा। क्यों आप लोगों को भी हर कोई देख रहा होता है भाई, ये समझ आपने हमारा शो देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। अच्छा। नहीं नहीं वाकई देखा है। हम सफर आप देखते हैं ड्रामा शौक से? हम सफर मैंने वाहिद ड्रामा है जो मैंने देखा, इसलिए कि मैं खैर बहुत हिचपिच नहीं है, बड़ा एक सिंपल सी स्टोरी है और बड़ी एक बड़ी जेन्युइन सी उसमें नजर आ। सिंस हम सब बात कर ही रहे हैं तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, बहुत अरसे से बोलना भी चाह रही थी मैं। वो शख्सियत जो यहाँ नहीं होते नॉर्मली, लाहौर में होते हैं, मगर सलाम है जी उनको, सरमद खुसर साहब, सरमद को बात, ब्रिलियंट डायरेक्टर। मैं मानती हूँ कि डायरेक्टर का बेबी होता है प्रोजेक्ट और उसकी वजह से वो हिट हुआ है। जिस तरह की उसमें जो भी एक्टिंग करवाई गई है वो डायरेक्टर ने एक्चुअली करवाई है। और आप बड़ी ही देखें डायरेक्शन जो है, हम आर्टिस्ट में और आम देखिए पब्लिक में क्या फर्क होता है, हम उसमें से एक लाइन उठा के फोन कर रहे होते हैं डायरेक्टर को, ये जो आपने किया, या हम एक्टर को कहते हैं ये जो तुमने एक लुक दिया था जिसकी तरफ जिसका उस सिर्फ एक्टर को पता है या डायरेक्टर को पता है। तो पूरे पूरे प्ले में होता है ये अक्सर, उसमें जो उस लड़के ने काम किया है और उसने अपने और वो उसने भी जो विलन वो लड़की ने भी बहुत सारा वो जो सारा तो सबसे कमाल किया। नेगेटिव रोल सारा ने प्ले किया लेकिन बहुत खूबसूरत है सरमद खुसर, उनको सलाम है। ऐसे ड्रामे हमारे यहां बनते हैं। सरमद यू आर ग्रेट बेटा, आप अपनी एज को देखें और अपने काम को देखें कि आपने तो भाई बड़ों बड़ों को सलाम कर दिया और ये तो सिंपल था, अच्छा एक ब्रेक था तो और भी ऑसम था। हां एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आजकल के ड्रामे और पहले के ड्रामों में आने वाले ड्रामों में क्या कुछ होने वाला है और क्या डिफरेंट है इन सब चीजों में। छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।